हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ये वीडियो, आप सबका बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि व्हाट्सएप पर खुद को अनब्लॉक कैसे करें, इसका न्यू ट्रिक का वीडियो लाओ। तो मैं इस वीडियो में न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आपको व्हाट्सएप पे किसी ने ब्लॉक कर देता है तो आप अनब्लॉक कैसे हो सकते हैं। और जो मैं पहले वीडियो बनाया था, अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे कि खुद को अनब्लॉक कैसे करें व्हाट्सएप पे, मैं दो तीन वीडियो पहले और बना चुका हूं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी देख करके आप अनब्लॉक हो सकते हैं। और मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मैं पहले ट्रिक बताया हूँ वो ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, आज कुछ नया बताने वाला हूँ। और जिससे कि आप 100% है कि जो मैं पहले वीडियो में बताया था कि आप ग्रुप क्रिएट करके आप उसमें मेंबर को ऐड कर लेंगे जिसने आपको ब्लॉक किया है, और उसका नंबर अगर ऐड नहीं हो रहा तो उसका भी मैं बताया था कि अगर ब्लॉक नंबर ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है तो उसको भी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख करके आप अनब्लॉक कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में जो बताया हूँ, आज इस वीडियो में वो चीज़ नहीं बताने वाला हूँ कि आप वो ग्रुप बनाना है, क्रिएट करना है और उसमें ऐड करना है मेंबर को, नहीं। इसमें मैं कुछ नया बताने वाला हूँ, नया बताया हूँ कि कैसे क्या करना है। और आप 100% सेम जो चैट जो है जिसमें ब्लॉक किया हुआ है, सेम उसी चैट को फिर से उसी में आप मैसेज करेंगे और उसी चैट में फिर से चैट कर पाएंगे, और आप इजीली आप अनब्लॉक होकर के आप सेम उसी चैट में आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप बिना स्किप के वीडियो में इन तक बने रहें। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स मैं रोशन विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक आर किस नए वीडियो में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हमारी स्क्रीन पे और करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो कर लाइक, चैनल को कर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। हाँ, तो आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन का व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मेरा व्हाट्सएप है, ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपने दूसरे फ़ोन का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं दोनों फ़ोन में मैं दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोन को ब्लॉक करूँगा, अपने फ़ोन का नंबर को ब्लॉक करूँगा, ठीक है, अपने दूसरे वाले फ़ोन व्हाट्सएप से, ठीक है। और ब्लॉक करके फिर मैं आपको दिखाऊँगा अनब्लॉक करके, ठीक है, मैसेज जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी दूसरे फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ है, तो इसके बाद मैं अपने दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा व्हाट्सएप है, हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला मेरा जो नंबर है, ये वाला नंबर है मेरा, ठीक है। अभी इसमें नंबर मैसेज जाएगा, ठीक है, अभी क्योंकि ब्लॉक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी दोनों फ़ोन में इस तरह से मैसेज आएगा और जाएगा भी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मैसेज जा रहा है, ठीक है, दोनों में मैसेज अभी ब्लॉक नहीं है तो दोनों में आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे फ़ोन से पहले फ़ोन को, मतलब कि दूसरे वाले फ़ोन से अपने फ़ोन को मैं ब्लॉक करूंगा, ठीक है, अपने ब्लॉक करूंगा। इसके बाद फिर अनब्लॉक करके दिखाऊंगा, वो भी बिना दूसरे वाले फ़ोन को टच किए, ठीक है, मतलब कि अपने फ़ोन से ही अनब्लॉक करना है। तो यहाँ मेरा देख सकते हैं नंबर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर से मैं यहाँ से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया, हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दूसरे वाले फ़ोन, मतलब जो मेरा पहला वाला फ़ोन है, दूसरे वाले फ़ोन से ब्लॉक करने के बाद इसमें DP वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पहले जो कि दिख रहा था। तो अब चलिए, अब यहाँ से मैसेज अगर करेंगे तो ना ही मैसेज आएगा ना ही मैसेज जाएगा। यहाँ से अगर मैसेज ऐसा करते हैं तो यहाँ अनब्लॉक का ऑप्शन आता है, तो अभी तो अनब्लॉक करेंगे नहीं, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले अगर फ़ोन से ऐसे करते हैं तो यहाँ भी मैसेज जाएगा नहीं क्योंकि ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ब्लॉक ही अभी भी, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, अब ब्लॉक है। अब करना क्या है कि यहाँ इस वाले व्हाट्सएप को अपने फ़ोन से ही अनब्लॉक करना है, खुद को अनब्लॉक हो जाना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये मेरा जो नंबर है कौन सा है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन में मैच कर सकते हैं कि सेम नंबर है, ठीक है। तो अब अनब्लॉक कैसे करना है, इसके लिए आपको करना क्या है, अपने वाले फ़ोन में, मतलब कि जिसने आपको ब्लॉक किया उसका तो फ़ोन लेना नहीं है, उसको तो टच करना नहीं है फ़ोन, अपने फ़ोन से ही अनब्लॉक होना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने फ़ोन में यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है व्हाट्सएप में, ठीक है। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में चलना है, इसके बाद यहाँ पे चलना है अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि वहाँ आप नंबर देख लिया कि कौन सा नंबर था, तो अब यहाँ करना क्या है कि चेंज नंबर पर क्लिक करना है, ठीक है। अब चेंज नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नंबर आपको चाहिए जो ये वाला व्हाट्सएप है इसके अलावे, मतलब कि ये जो व्हाट्सएप है मैं दिखाता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे जो मेरा ये व्हाट्सएप है इस नंबर के अलावे एक और नंबर हमको चाहिए। अगर आपके पास एक ही नंबर है तो आपको करना क्या है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं चल जाता हूँ वहाँ पे, हाँ, चेंज नंबर, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
इसके बाद अगर आपके पास नंबर नहीं है तो अब आपको करना क्या है कि एक नंबर आपको चाहिए। अब वो तो आप चाहते हैं कि अगर दोस्त का भी नंबर नहीं आप यूज करना चाहते हैं, अपने घर का फैमिली का भी नंबर यूज नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहे आपके पास एक ही नंबर है, ठीक है। तो अब आपको नंबर कहाँ से आएगा, तो आपको नंबर करना है क्या कि मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि फेक व्हाट्सएप अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ये मैं बताया था, ठीक है। तो उसमें मैं बताया था कि आप कैसे किस तरह से फेक नंबर कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस वीडियो को देख करके नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। ओटीपी भी, वो नंबर मतलब सारा कुछ मैं बताया था कि उस नंबर पे ओटीपी भी जाएगा, सारा कुछ जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा लंबा वो वीडियो है, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएगा किस तरह का नंबर लाना है, ठीक है। और उस वीडियो को देखने के बाद आप नंबर ले लीजिए, ठीक है। नंबर जब आपको मिल जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ ऊपर में इंटर योर ओल्ड फोन नंबर विद कंट्री कोड, ठीक है। कंट्री कोड यहाँ तो अपना है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं अपना ओल्ड फोन नंबर जिससे अभी व्हाट्सएप है वो वाला नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दिया जो जिससे अभी व्हाट्सएप है, ठीक है। अब नीचे जो डालना है दूसरा नंबर, यहाँ भी न्यू फोन नंबर, मतलब कि अब जो नंबर आपके पास है दूसरा नंबर, इसके अलावे वो नंबर यहाँ पे डालना है। अगर नहीं है, एक ही नंबर है, तो मैं आपको बताया ही कि आपको वीडियो देख करके और यहाँ पे आपको वो नंबर डाल देना है। और यहाँ पे ऐसे नंबर डाल देते हैं हम अपना, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, 45, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे नंबर मैं डाल लिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो मैं नंबर नया डाला इस पे ओटीपी आएगा, ठीक है। उससे पहले कि यहाँ नोटिफाई कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे होगा क्या कि आपके पास जो भी नंबर, मतलब आपके फ़ोन में जो भी नंबर है वो सारे लोगों को नोटिफाई हो गया है, नोटिफिकेशन चला जाएगा, मतलब कि वो जो नंबर है चेंज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये वाला जिसके पास नंबर सेव है सारे लोगों के पास ये वाला नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट या फिर अपने मर्जी से जो कुछ करना चाहते हैं, तो हमें ऑल कॉन्टैक्ट नहीं, ये इससे ही पहले देते हैं कॉन्टैक्ट आई वे चैट विथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। और डन करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओ टी पी अब इस नंबर का चाहिए, तो मेरे फ़ोन में दूसरे वाले फ़ोन में ओ टी पी आ जाएगा, ये मेरा दूसरे फ़ोन का नंबर है, ठीक है। तो मैं उस वाले फ़ोन में ओ टी पी आता है, इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो मैं बताया कि किस तरह से करना है, वो फेक व्हाट्सएप का नंबर यूज करके फेक नंबर पे उस पर ओ टी पी भी आ जाएगा, मैं बताया उस वीडियो में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ओ टी पी अपना डाल देता हूँ, ठीक है, 480, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर यहां पे मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है। ये ओके का आया था, मैं क्लिक कर दिया उधर। हाँ, तो यहां पे एक ओके का ऑप्शन आएगा, उस पर ओके कर देना है, ठीक है। तो यहां पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद सेटिंग्स में इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर जो है, ठीक है, यहाँ नंबर चेंज हो चुका है, नंबर चेंज हो चुका है। और दूसरे वाले फ़ोन में भी यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि यहाँ पे इसमें मैसेज अप करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अनब्लॉक हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर अनब्लॉक हो चुका है। यहाँ मैं आपको फिर से मैसेज करके दिखा देता हूँ कि ऐसे मैसेज करेंगे तो दूसरे वाले फ़ोन में मैसेज चला जाएगा, यहाँ ऑनलाइन दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं मैसेज किया यहाँ से और वहाँ सीन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और नया मैसेज करता हूँ, ठीक है, कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले फ़ोन में मैसेज चला जाएगा और उस सीन भी करेगा। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन में मतलब मैसेज चला जा रहा है। यहाँ से अगर मैसेज वो करेगा ऐसे, तो यहाँ से वो रिप्लाई भी करेगा, तो यहाँ से वो मैसेज भी आ गया और चला भी जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नंबर इस तरह से जो आप चेंज किए तो इससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आप, तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जिस तरह से मैं यहाँ नंबर चेंज किया इससे अच्छा कि मैं नया व्हाट्सएप बना लेता, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वैसे तो नंबर तो बना लेंगे, मतलब व्हाट्सएप नया तो बना लेंगे इस नंबर से, लेकिन जो ये वाला चैट जो है ये चैट आपके फ़ोन में नहीं दिखेगा, मतलब कि इस तरह से ये जो दिख रहा है जो पहले चैट हुआ है वो चीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नया अकाउंट बन जाएगा। तो आप बस इससे यही फायदा है कि वो जो चैट जो है तो चैट आपके फ़ोन में रहेगा ही, और उसी चैट में ऐसे इस तरह से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अनब्लॉक हो सकते हैं। और इसके अलावा और कोई अगर आप चाहते हैं और कोई ट्रिक हो, तो मुझे लगता है कि वैसा कोई और ट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर वैसा कुछ अगर हमको मिल जाता है अनब्लॉक होने वाला, तो और कोई ट्रिक मिलता है तो मैं आपको वीडियो बना करके अपने चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके लिए
आपका मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा। अगर आपको वहां से नहीं हो पाता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो बस आप इस तरह से अनब्लॉक हो सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।